अस्सलामुअलैकुम। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो है जो चाय पीने के शौकीन हैं। जी हाँ, क्योंकि आज की ये वीडियो चाय के दिलचस्प हकायक के बारे में है। चाय के शौकीन अफराद की दुनिया में कोई कमी नहीं, और बाज़ अफराद तो ऐसे हैं कि उन्हें खाने को कुछ मिले या ना मिले मगर चाय ज़रूर मिलनी चाहिए, इसके बगैर उनका काम नहीं चलता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला मशरूब भी चाय ही है। आज की ये वीडियो चाय से व्यवस्था ऐसे ही हैरान किन हकायक पर मबनी है जो कम से कम चाय के शौकीन अफराद को ज़रूर मालूम होने चाहिए। मशरकी दुनिया में चाय गुज़िश्ता 5000 साल से पी जा रही है, जबकि मगरबी दुनिया को चाय पीते हुए सिर्फ 400 साल का अरसा गुजरा है। साइबेरिया में 18वीं सदी तक लेन देन के लिए चाय के ब्लॉक्स को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। दुनिया में सबसे ज्यादा चाय आयरलैंड में पी जाती है और इसके बाद दूसरा नंबर बर्तानिया का है। दुनिया भर में चाय की 1500 से ज्यादा इकसाम पाई जाती है। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि चाय ईरान और अफगानिस्तान का कौमी मशरूब है। चीन दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा चाय पैदा की जाती है और इसके बाद दूसरा नंबर इंडिया का है। आइस टी अमेरिका की इजाद है जबकि दुनिया इसे बरतानवी ताजर का कारनामा समझती है। अमेरिका में चाय के हवाले से 85% आइस टी इस्तेमाल की जाती है। चीन में काली चाय को लाल चाय कहा जाता है। दुनिया की महंगी तरीन और आला चाय हांगकॉन्ग के इलाके एरिस क्लिंटन में पाई जाती है। चाय की इकसाम के बारे में अगर बात की जाए तो दुनिया में 75% काली चाय पी जाती है। बरतानिया में चाय की तारीख की बात की जाए तो 1655 के करीब बरतानिया में चाय पहुंची थी। लिप्टन को दुनिया का बेहतरीन चाय का ब्रांड कहा जाता है। जनूबी कैरोलिना अमेरिका की वो वाहिद रियासत है जहां सबसे ज्यादा चाय उगाई जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पहाड़ी बरसाती खित्तों में उगाई जाती है। उम्मीद करता हूँ चाय के शौकीन लोगों को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।